अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 पार्शियल फ्रैक्शन का दूसरा लेक्चर है हमारा। और पिछले लेक्चर में हमारे पास जो क्वेश्चंस होते थे उसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में, जैसे ये 2x+1, और इसके डिनोमिनेटर में जो हमारे पास ये फैक्टर होते थे इस किस्म के, तो वो सारे लीनियर होते थे। मतलब यहाँ पे जैसे x की पावर भी 1 है और ब्रैकेट जो है उसकी भी पावर 1। तो इसके आप इजीली जो पार्शियल फ्रैक्शन में आते थे वो आ जाता था a/(x+1) और b/(x-3)। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब जो हमारे पास सवाल आएंगे इस एक्सरसाइज में, तो अच्छा, तो इस एक्सरसाइज में सवाल देखिए हमारे पास ऐसे होंगे कि नीचे जो डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू गिवन होगी उसकी कोई ना कोई पावर होगी। जैसे यहाँ पे पावर गिवन है, इधर पावर गिवन है, इसमें देखें तो इनके पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो हम आज सीखेंगे कि वो लिखने कैसे हैं और सॉल्व करके उसमें जो एबीसी कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होते हैं उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो जी, ये है हमारे पास सवाल नंबर 1। इसको हम ट्राई कर रहे हैं अभी, ये सवाल। ठीक है जी, इसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इसमें देखिए नीचे पावर 3 है। तो जब आप इसको लिखोगे तो जितनी जिसकी पावर होती है आपने उसको उतनी दफ़ा लिखना है। तो इसको हमने 3 दफ़ा लिखना है इस तरीके से, पहले a/(x-1), फिर b, उसके नीचे फिर x-1, और तीसरी दफ़ा लिखना है c, उसके नीचे फिर x-1। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी पावर 3 थी तो आपने आखिरी वाली की पावर 3 लगा देनी है जो मैक्सिमम थी, फिर उससे एक कम पावर इधर लगा देनी है 2, और उससे एक कम पावर इधर लगा देनी है 1। तो 1 चाहे लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। तो इस तरीके से इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन लिखेंगे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। नीचे इन्होंने सॉल्यूशन कैसे किया हुआ ये देखा। ठीक है जी, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन लिख दिए, इसको कह दिए इक्वेशन नंबर 1। और ये जो मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर, लेफ्ट साइड का जो डिनोमिनेटर उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है आपने। अब ये आपने बड़े गौर से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि लेफ्ट साइड पर जो मल्टीप्लाई करेंगे इसी पावर को, वैल्यू को, तो पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी। आपके पास उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है, ये ऊपर वाली वैल्यू ये बच जाएगी, ये वाली देखिए वो ये आ गई। अच्छा, इसके बाद जब आप इसको इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x-1 की पावर 1 है, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड हो गई ना बेसिकली, तो इसकी एक पावर कम होकर यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखा, इसी तरीके से जब आप बी वाली को इसे कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो इस वाली वैल्यू को जो मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर 2 है, वो इस तरीके से होगा ना, a/(x-1), और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x-1 की पावर 3 से, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे इसकी एक पावर कम हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप बी वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा, इसकी पावर इधर 2 है, तो ये जब इससे कैंसिल करेंगे इसकी पावर जो है वो कम होकर 1 बच जाएगी, यहाँ पर इस जगह पे 1 रह जाएगी। तो वो ये लिखा हुआ है। और इसी तरीके से जब आप सी वाली वैल्यू को करेंगे तो c/(x-1), इसकी पावर 3 है, तो जिससे मल्टीप्लाई करना है वो भी x-1 की पावर 3 है। ये पूरी की पूरी कैंसिल होकर देखिए आपके पास खाली सी आ गई। तो ये इस तरीके से आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। बाकी जो काम रह गया वही पुराना वाला मेथड जो आपने पिछले एक्सरसाइज में किया था, उसी मेथड को हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्योंकि तो कुछ चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं। जैसे कि ये जो आपके पास वैल्यू है ए के नीचे वाली जो लीनियर है जिसमें उसकी कोई पावर नहीं है, आप उसको इस तरीके से जैसे 0 रखेंगे x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये सारा पिछले एक्सरसाइज वाला प्रोसेस है। ये देखें 1 आ गया, इसको आपने इसी क्वेश्चन नंबर 2 में रिप्लेस कर दिया, उसको सिंपलीफाई किया। ठीक है, ये सारा सिंपलीफाई हो के तो ये 1-1 a भी 0 हो जाएगा और ये c 0 हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास सिर्फ ये c बच जाएगा, यहाँ से इधर से c, ये गलती से कुछ लिखा गया, ये नहीं आना। ठीक है, तो ये c की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे, जो हमारे ये इक्वेशन नंबर 2 है उसको हमने सिंपलीफाई करना है क्योंकि ये जो बाकी वैल्यूज हैं ये वाली और ये जो x की पावर 3 है इनको दोबारा इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से इक्वल्स टू 0 तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें,
तो आ जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये तो वही वैल्यू बन गई जो ऑलरेडी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व भी करेंगे दोबारा, फिर एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा, तो वो ऑलरेडी वही सारा सोल्यूशन बन जाएगा जो हमने यहाँ पे किया हुआ है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, सिर्फ जिसकी पावर वन होती है और जिसकी ब्रैकेट की पावर वन होती है उसको इस्तेमाल करते हो, बाकियों को इस्तेमाल नहीं करते। मैंने ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर जो टू है ये वाली, इसको लिया और इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, इसका स्केयर ओपन कर दिया, ये स्केयर ओपन हो गया, बाकी बी और सी वाली वैल्यू वैल्यूज आ गई। अच्छा, इसके बाद ये जो ए आ गया इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और स्केयर वाली वैल्यूज अलहदा कर ली हैं, एक्स वाली वैल्यूज अलहदा कर ली हैं और जो कॉन्स्टेंट थी वो अलहदा कर ली। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस साइड वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, इधर से ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों का एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दें तो यहाँ से ए इक्वल टू ये इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स वाली वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो ये एक्स वाली वैल्यू इधर ये है और इधर एक्स वाली वैल्यू ये है, तो एक्स को छोड़ दें, यहाँ से माइनस थ्री आ जाएगा, वो ये आ गया, और यहाँ से आ जाएगा माइनस टू ए प्लस बी। ठीक है, वो ये आ गया, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ये है और इधर कांस्टेंट वैल्यू ये फोर, तो आपके पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे ना लिखा ही नहीं हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आ जाएगी फोर इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस सी। ठीक है जी, अब ये आपके पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं। आप बारी बारी तीनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करते जाएं और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते जाएं। जैसे कि यहाँ पे देखें, ए की वैल्यू तो ये आ गई है, ये ए की वैल्यू आप यहाँ पे रिप्लेस कर दें इस वाली। ठीक है, तो टू तक देखें, यहाँ पे इन्होंने टू रिप्लेस किया और इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई के बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और एक वैल्यू आपने ऑलरेडी जो है वो ऊपर फाइंड की थी सी की। मैं अभी आपको शो करता हूँ, ठीक है जी, ये सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ये है, तो तीनों ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारा काम क्या रहेगा, कि हम तीनों ए बी सी की वैल्यूज को, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर वन है, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे और वही हमारा सोल्यूशन होगा। ये देखो, ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं ये वाली। ठीक है, और आपने क्या किया, उनको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ये ए की वैल्यू, ये आपने लगा दी बी की वैल्यू और ये आपने लगा दी सी की वैल्यू। ठीक हो गया, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और अच्छा जी, ये इसका सवाल नंबर तीन है, 5.2 एक्सरसाइज, और इसमें भी देखें, एक हमारे पास लीनियर फैक्टर गिवन है एक्स माइनस वन और एक हमारे पास नॉन लीनियर है। इसमें एक्स की पावर तो वन ही है लेकिन यहाँ पे उसकी ब्रैकेट की पावर है वो ट्वाइस रिपीटेड बेसिकली है, जिसकी जितनी पावर होती है वो उतनी दफ़ा रिपीट हो रहा था, ये टू टाइम्स रिपीट हो रहा है। आप जब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन इस तरीके से बन जाएंगे, ये जो हमारे पास एक्स प्लस वन है ये रिपीट हो रहा दो दफ़ा, तो हम इसको दो दफ़ा लिखते हैं, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का स्क्वेयर। ठीक है, अभी जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बताया ऊपर ए और बी आ गया, और जो एक्स माइनस वन है वो सिंगल वैल्यू थी, उसकी पावर भी कोई नहीं थी, तो ये सिंगल टाइम वैसे ही चीज़ यही आ गया। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे ताकि इसके फ्रैक्शन खत्म हो जाए। ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू थी, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गई है इक्वेशन नंबर टू। ठीक है जी, कैसे, ये पूरी वैल्यू इसे कैंसिल होगी तो फोर एक्स आ गया। एक्स से जब करेंगे तो ये एक्स प्लस वन इसकी एक पावर को कम कर देगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पे ये वन नहीं आया, ये पावर नहीं आई, ये गलती से लिखा गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद बी से करेंगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, सी से करेंगे तो एक्स माइनस वन कैंसिल होगा, तो ये एक्स प्लस वन का होल स्केयर ये आ जाएगा, स्केयर वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा।
ये देखो। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, जब हमने वैल्यूज एबीसी की फाइंड करनी है, तो ये ए वाली वैल्यू देखिए इसमें भी लीनियर फैक्टर है, और सी वाली वैल्यू में भी लीनियर फैक्टर है, ओनली बी में जो है वो पावर आ रही है रिपीटेड वाली। तो आप ए के जो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन गिवन है उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, यहाँ से एक्स इक्वल्स टू माइनस वन आ जाएगा। और इसी तरीके से जो सी वाली वैल्यू है उसमें आपको गिवन है एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से सी से, तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू वन आ जाएगा। तो इस तरीके से प्लस वन और माइनस वन को आप यूज करके तो कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक्स इक्वल टू वन यूज किया, ये आया यहाँ से, ठीक है। और इस इक्वेशन में जहां जहां पे एक्स था आपने वन रिप्लेस कर दिया, ये देखा, और सिंप्लीफाई किया जब तो आपके पास सी की वैल्यू आ गई है वन, ये मैं आपको शो करता हूँ। ये देखो सिंप्लीफाई होकर सी की वैल्यू वन आ गई है। अब आपने एक्स इक्वल टू माइनस वन यूज किया है, और उसको भी जब आपने पूरी क्वेश्चन नंबर टू में रिप्लेस किया है, तो सिंप्लीफाई होकर बी की वैल्यू आ गई है टू, ठीक हो गया। अब देखिए दो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, एक वैल्यू रह गई है, तो वो तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये जो बी के नीचे वाली वैल्यू थी वो ये स्केयर था। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर टू को सिंप्लीफाई करोगे जैसे भी मैंने पिछले सवाल में किया था, तो ये सारा काम हुआ, ठीक है जी। ये इसका स्केयर ओपन कर दे जो सी वाली वैल्यू थी, और ए के साथ जो दो प्रोडक्ट उनका मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करके स्केयर वाली वैल्यू से लहदा कर ली आपने, ये स्केयर वाली आ गई, ये एक्स वाली वैल्यू से लहदा कर ली और कॉन्स्टेंट से लहदा कर ली। अब आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को कंपेयर करोगे। तो पहले एक्स स्क्वायर को देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है सबसे बड़ी पावर, और लेफ्ट साइड पे तो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू कोई नहीं, लिहाजा जब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को कंपेयर करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। उसमें देखें अगर वैल्यू ना हो तो जीरो लगा देना आप, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप जब x वाली वैल्यू को कंपेयर करोगे तो x का वैल्यू यहाँ पे 4x गिवन है, तो आप दोनों में से x को छोड़ दें, बाकी उनको मिला के इक्वेशन बना लेंगे इस तरीके से, 4 इक्वल्स टू b प्लस 2c। और इसी तरीके से जब आप कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी, और लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट वैल्यू है ही नहीं, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 0 इक्वल माइनस ए प्लस बी और प्लस सी। तो इस तरीके से ये तीन इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो सारी इक्वेशंस कोई नहीं बनाते, जिससे उनका काम हो जाता हो वो उतनी इक्वेशंस बना के तो छोड़ देते हैं। मैंने आपको तीनों इक्वेशंस बना के दिखा दिया। अब इन तीनों इक्वेशंस में से जो आपको सबसे आसान लगे, जिसमें कम से कम वेरिएबल्स हों ए बी सी, आप वो वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, और जो वैल्यू आपकी रह गई है वो आप फाइंड करेंगे। जैसे कि बी आपने यहाँ से निकाल लिया था, और इससे ऊपर जो है वो आपने एक और वैल्यू निकाली थी, ये देखो सी भी निकाल लिया था आपने और बी का आंसर आ गया था। अब सिर्फ ए रह गया था, तो ए का आंसर फाइंड करने के लिए उनको एक ही क्वेश्चन चाहिए थी, और लकीली जब उन्होंने इक्वेशन बनाई है तो ये आसान सी क्वेश्चन बना के, इसीलिए वो बाकी दो इक्वेशन नहीं बना रहे। और ये जो सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं इसको कहते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है जी। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है इसमें सी की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की थी वो यहाँ पे लगा दी, तो सिंपलीफाई किए तो ए की वैल्यू आ गई है। अब ये सारी ए बी सी वैल्यूज आ गई हैं, आप क्या करोगे क्वेश्चन नंबर वन में ये सारी वैल्यूज पुट कर दो इस तरीके से, ए ओवर दिस, बी ओवर दिस, सी ओवर दिस, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू का फाइनल आंसर है, ठीक है जी। बाकी भी क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, और अगली जो है ना एक्सरसाइज में इससे नेक्स्ट एक वरी ना, तो वो हम इंशाल्लाह की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है जी। ओके, अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आ रहा हो, आप ट्राई करें वो सॉल्व ना हो रहा, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसका जो है ना वो मुझे सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।